मैं आपको चित्र वर्णम सिखाने जा रहा हूं। चित्र वर्णम देख लीजिए, चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में ऐसा ही चित्र आपको दिया रहेगा। इस चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखना है। उसके लिए आपको मंजुषा भी दिए रहेंगे, मंजुषा में शब्द भी दिए रहेंगे, और उस मंजुषा में दिए गए शब्द से आप 5 वाक्य बनाएंगे। तो 5 वाक्य जो बनाएंगे, इसके लिए 4 फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। इस फॉर्मूला को देख करके, आप सीख करके, आप 5 वाक्य 10 वाक्य भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, और कम ज्ञान होते हुए भी आप 5 में 5 अंक ला सकते हैं। पहला जो वाक्य है, इस तरह का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। अगर आपको पसंद ना आए तो छोड़ दीजिएगा। अगर आप जैसे कि इदम चित्रम एकस्य, चाहे गांव का रहेगा तो ग्रामस्य अस्ति, या नगर का रहेगा तो नगरस्य अस्ति, अगर बगीचा का रहेगा तो उद्यानस्य अस्ति, वन का रहेगा, जंगल का रहेगा तो वनस्य अस्ति, हाट का रहेगा, बाजार का रहेगा तो अपनस्य अस्ति, रास्ते का रहेगा तो राजमार्गस्य अस्ति, विद्यालय का रहेगा तो विद्यालयस्य अस्ति। अगर चित्र में जो आप देख रहे हैं उसके लिए आपको संस्कृत शब्द नहीं आ रहा है, तो इस चित्र में ये पहला वाक्य नहीं लिखिएगा। आप यहां से शुरू करेंगे, नंबर 2 से। अस्मिन चित्रे या प्रदत्ते चित्रे, प्रदत्तम चित्रम दिया हुआ है, उसमें एक ही मात्रा दोनों कर दीजिए। प्रदत्ते चित्रे या अत्र, तीनों नहीं, कोई एक। अस्मिन चित्रे या प्रदत्ते चित्रे या अत्र। और उसके बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द, मतलब बालका बालको बालका। प्रथमा विभक्ति का शब्द क्या होता है? बालिका बालिके बालिका। प्रथमा विभक्ति का शब्द होता है फलम फले फलानि। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द, जैसे कि इसमें दिया हुआ घटस्य, तो अस्मिन चित्रे घटस्य अस्ति नहीं होगा, क्योंकि घटस्य षष्ठी विभक्ति में है। तो यहां प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रखिएगा। अस्मिन चित्रे, जैसे काका है, तो अस्मिन चित्रे काका अस्ति, या अस्मिन चित्रे काका पिबति, अस्मिन चित्रे एक विशेषण यूज कीजिएगा, तो यहां पर काका पुलिंग है, तो यहां पर एक यूज करना पड़ेगा। तो एक काका अस्ति, अस्मिन चित्रे, जैसे वृक्ष बहुत सारे हैं तो अस्मिन चित्रे वृक्षा संति, अगर आप विशेषण का प्रयोग करेंगे उसके साथ तो वृक्षा पुलिंग है, इसीलिए अनेके अनेके वृक्षा संति। अगर आपको लगता है कि वृक्ष पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप अनेक लिख करके, विसर्ग नहीं, केवल अनेक लिखिए, इस तरह से अनेक लिखिए, लिखिए हाइफन दीजिए, अनेक वृक्षा संति, ऐसा हो सकता है। तो अस्मिन चित्रे, जैसे पाषाण खंडानि, अगर मतलब आप नहीं जानते तो इसका यूज मत कीजिए, यदि आप मतलब जानते हैं तो अस्मिन चित्रे अनेकानि पाषाण खंडानि संति। अस्मिन चित्रे काका पिपासिता अस्ति अस्ति, अस्मिन चित्रे काका अस्ति पिपासिता काका अस्ति, अगर पिपासिता का मतलब नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, जैसे जलम को जानते हैं तो अस्मिन चित्रे जलम अस्ति, गृहम जानते हैं, अस्मिन चित्रे गृहम अस्ति, तो अस्मिन चित्रे एक गृहम नहीं होगा, क्योंकि गृहम नपुंसक लिंग है, और एक जो है सो एकम जो है सो इस नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग, एकम गृहम, एक गृहम नहीं, एकम, अस्मिन चित्रे एकम गृहम अस्ति, अस्मिन चित्रे एकम गृहम अस्ति, हो सकता है। तो यहां पर मैं 5 वाक्य बनाया हूं, अस्मिन चित्रे एक काका अस्ति, प्रदत्ते चित्रे अनेके वृक्षा सन्ति, अत्र अनेके खगाः सन्ति, अत्र एकम गृहम अस्ति, प्रदत्ते चित्रे एका बालिका भ्रमति, या एका बालिका अस्ति, तो दोनों नहीं, चाहे अस्ति लिखिए, चाहे पठति हसति गच्छति लिखिए, सतः लिखिए या पठता गच्छता हसता लिखिए, सन्ति लिखिए या पठन्ति गच्छन्ति हसन्ति लिखिए, मतलब आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करना है, जैसे असि सत सत नहीं होना चाहिए, अस्मि स्व अस्मा नहीं होना चाहिए, पठ पठसी पठता पठत नहीं होना चाहिए, पठामी पठावा पठामा नहीं होना चाहिए। चित्र को डिपिक्शन जो होता है वो लट लकार में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, और प्रथम पुरुष में होता है। प्रथम पुरुष क्या होता है? नेदर आई नो यू, ना मैं ना तुम, अहम आवाम वयम नहीं, त्वम युवाम यम नहीं, प्रथम पुरुष जो थर्ड पर्सन है उसके साथ में, जैसे कि बालक थर्ड पर्सन है, काका थर्ड पर्सन है, तो बालक काका मयूरा ये सब थर्ड पर्सन है, उसका यूज होगा और उसके साथ क्रिया होगा अस्ति सता संति या पठति पठता पठंती, बस इतना ही होगा। और इस तरह से आपको जैसे जब बहुवचन होगा, जैसे अने
अनेक बालक अनेक मेनी बॉय नहीं होता है, मेनी बॉयज होता है, मेनी गर्ल्स होता है, इसलिए अनेक अनेके बालका नहीं होगा, अनेके बालका, अनेका बालिका, अनेका बालिका नहीं होगा, अनेका अनेका बालिका होगा, बहुवचन के साथ हो, अनेकानी फलम नहीं होगा, अनेकानी फलानी होगा। आप एक दो तीन, जैसे एक का तो पुलिंग में एका, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, द्वो पुलिंग में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ये शब्द पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग, तो आप एक लिख दीजिए, हाइफन डाल दीजिए, एक बालका अस्ति या एक बालिका अस्ति या एक फलम अस्ति, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप एका बालका लिखिए, एका बालिका लिखिए, एकम फलम लिखिए। द्वो का प्रयोग मत कीजिए, द्विवचन का प्रयोग में फिर क्रिया को भी द्विवचन में ले जाना पड़ता है, इसीलिए एक वचन का प्रयोग करें या बहुवचन का प्रयोग कीजिए। बहुवचन का प्रयोग कीजिए तो एडजेक्टिव विशेषण के रूप में अनेक का यूज होगा, तो पुलिंग रहेगा तो अनेके, स्त्रीलिंग रहेगा तो अनेका, और नपुंसकलिंग रहेगा तो अनेका भी। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अनेक देख अनेक लिख करके हाइफन दे दीजिए। इस तरह से पांच वाक्य आसानी से लिखा जा सकता है। जिस शब्द का आप अर्थ नहीं जानते हैं उस शब्द से वाक्य मत बनाइए, जिस शब्द का आप अर्थ जानते हैं उसी से वाक्य बनाइए। और अस्मिन चित्रे याद कर लीजिए, अगर अस्मिन चित्रे आप याद कर लीजिए, इसी का प्रयोग आप पांच जगह कर दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ भी यूज करे तो अच्छा रहेगा। या प्रदत्त चित्रम, प्रदत्तम चित्रम है तो प्रदत्ते चित्रे कर दीजिए, ऐसा भी चलेगा। लेकिन एक वचन प्रथमा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, प्रथमा व्यक्ति एक वचन अस्ति, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन सतः या अतः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन संति या अंति। अस्मिन चित्रे मयूरा नृत्यंती, अस्मिन चित्रे अनेके मयूरा नृत्यंती, अस्मिन चित्रे पंच मयूरा नृत्यंती, अस्मिन चित्रे पंच मयूरा संति, अस्मिन चित्रे एकम फलम अस्ति, अस्मिन चित्रे अने अस्मिन चित्रे अनेकानि गृहाणि संति। धन्यवाद।